आज हुआ ऐसा कि भगवान ने महाराज की पावन लीला की, उसमें भगवान भोलेनाथ आए। पहले तो आए छिपके और जब छिप नहीं पाए होने लगा नाच, तो नाच में भोलेनाथ नंबर ही थे। अब लगा जहां ठुमका कन्हैया का बजी नाल, भोलेनाथ कूद पड़े मंच पर, चमक हुआ नाच। अब भोलेनाथ का उस दिन से एक और पड़ गया नाम, श्री गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव की जय हो। श्री धाम वृंदावन में बहुत सुंदर सा शिवलिंग है और भगवान भोलेनाथ वहां से एक नाम और बढ़वा लिए बड़े भाव से। उसके बाद एक दिन की बात, भगवान ने देखा कि यमुना में सभी देवियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही हैं और भगवान को बहुत खराब लगा। अरे ललिता विशाखा शीला नारी, अरे ललिता विशाखा शीला नारी, नग्न होके जल में भरी ढंग तरीके से स्नान कर रहे हैं। भगवान सबके कपड़े उठाए लिए और कपड़े उठाए गए, कदम के वृक्ष पे डांट दिए और इधर बहुत देर तक स्नान किया देवियों ने। और जब कहा कि चलो घर चला जाए, तो देखे कपड़े नहीं, अब सब हैरान हो गए। भगवान इधर बैठे तो एक की दृष्टि देख पड़ी, तो देखा वो देखो वस्त्र हमारे टंगे हैं और लगता है कन्हैया ने छुड़ाए। तो भगवान वहीं से चिल्ला करके आवाज लगा, रे देवियों तुम सब इस तरीके से बेढंग तरीके से स्नान कर रही हो यमुना जी में, अरे तुमको पता होना चाहिए जल में वरुण देव होते हैं। और देवियों को शास्त्र में लेख है कि देवियों को भैया अपने घुटनों के ऊपर जल में स्नान नहीं करना चाहिए। हो सके तो लुटिया ले लो, मग्गा ले लो, जग ले लो, बेमा स्नान कर लो, बेजती ना हो जी। लेकिन आजकल मैंने देखा है, हम अपने राजघाट देखकर नियम सारम देखकर, देवियां आई जब तक यततम नहीं नहाई ही जाएगी दादा, तब तक उनका देवी मैया खुश ही नहीं हुई। अब नहावे तो नहावे करें, फिर वही मां मुंह बनाए बनाए फोटो कहीं चीजें तई रोजी, अरे तमाम आडंबर हो। तो ये बताओ तुम मनोकामना मांगन गई हो कि बिगाड़न गई हो? जब तक हम भैया अपने देखो ये पाप लग जाता है, क्योंकि जल में हमारे वरुण देव सर्वदा वास करते हैं। कल सस्मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासता मूले स्थो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मता कुछो तो सागरा सर्वे सप्त दीपा व सुंदरा ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेदो हाथ वर्णा अज्ञात सर्वे कल संतो समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्ट करी तथा। तो जल में तो इतने देवी देवता वास करते हैं, तो उस समय हम काहे ना हैं, हैं? लेकिन मेरे भैया नहीं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन जैसी। जिस तरीके से हमारी भावना रहेगी उसी तरीके से हमें, अगर मानो तो ये यमुना मैया है और न मानो तो एक यमुना नदिया है। मेरे भैया अगर हम इनमें श्रद्धा विश्वास से इनकी आरती पूजा करें तो हमें दर्शन दे सकती हैं, और इस समय अगर कुछ भी न करें तो ये इसे बह रही बहती रहेंगी।
मेरे भैया तो श्रद्धा विश्वास रूपेण, जब हमें श्रद्धा होगी तो प्रभु के प्रति विश्वास होगा, और जब विश्वास हो जाएगा तो उस रूप के दर्शन आप रूप हो जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। आज भगवान ने ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान देने से पहले देवियों ने कहा बोधे को रखे हमारे वस्त्र, और लगता है कन्हैया ही ले गया।